नमस्कार, मेरा नाम उमेश कुशवाहा है और मैं अभी रिसेंटली बैक अभी मेहदी तोरा नाम फिल्म से मैं डेब्यू कर रहा हूँ और ये मेरी फिल्म दूसरी फिल्म है एज ए हिंदी मूवी। और ये देख रहे हैं कि आपको हॉरर मूवी है, तो इस फिल्म में एक ऐसा कैरेक्टर है मेरे साथ कि मुझे पता नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और हर एक स्टेप के बाद मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सब कुछ उल्टा होता है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। तो एक सस्पेंस बनी हुई है और पब्लिक को लास्ट में देखने को मिलेगा कि आखिर ये हो क्या रहा था। तो क्या लग रहा है फिल्म की शूटिंग कब तक स्टार्ट होने वाली है? फिल्म की शूटिंग नवंबर लास्ट से शुरू हो जाएगी। और दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? और दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो फिल्म बन रही है हॉरर फिल्म हिंदी में बनती रही है, लेकिन ये सभी फिल्मों से हटके फिल्में होगी और एक इसका कहानी एक ऐसा होगा कि दर्शक को लगेगा कि अब क्या होने वाला है, मतलब एक के बाद एक, मतलब पब्लिक को सीट से उठने का मौका नहीं मिलेगा, मतलब इधर उधर देख सोचने का मौका नहीं मिलेगा। इसमें आपके को स्टार जो हीरोइन है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो अभी सस्पेंस है, हमारी फिल्मों की तरह सस्पेंस है वो भी। थैंक यू। हॉरर फिल्म की बात की जाए तो बहुत सारी फिल्म लोगों के बीच आ चुकी है, तो आप लोगों से हटकर क्या कुछ दिखाने वाले अपने फिल्म में? देखिए, एक्चुअली सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहूंगा आप सबको कि आप लोग यहाँ आए और मेरी फिल्म का आज मुहूर्त होना। वो मनोज भैया की फिल्म है एक प्रेम कहानी, उसके भी निर्माता वही प्रवीण कुमार जी हैं और DOP हमारे विजय भैया ही हैं और ये मेरी तीसरी फिल्म है अभी जिसको मैं करने जा रहा हूँ। तो हम लोग एक्चुअली पूरी हमारी ये टीम है जो एक्टर और एक्ट्रेस और कैमरामैन से लेकर के सब चीज़ों की एक पूरी हमारी टीम है। तो हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, बैठते हैं तो पूरा डिस्कस होता है क्या मूवी करें जो मार्केट में चले। तो हम लोगों ने प्लान किया कि भोजपुरी बहुत हो गई, हिंदी बहुत हो गई, तो एक ऐसी मूवी करें जो लोगों के अंदर डर पैदा करे और सस्पेंस में सबको शायद मजा बहुत आता है, तो एक सस्पेंस वाली मूवी लेके आने का प्लान किया है। तो इस फिल्म का भाषा कौन सा होगा? हिंदी। और इसमें जो है कलाकार कौन कौन होंगे? हीरो जो है अभी आपके सामने मनोहर सिंह जी हैं, उमेश कुशवाहा जी हैं। और हीरोइन का एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने एक टैलेंट खोजने की कोशिश की है कि जो इस किरदार को अच्छा मतलब निभा पाएंगी हम उन्हीं को इस फिल्म में प्रेफर करेंगे। तो किस तरह से आप उस टैलेंट को किस तरह से देखेंगे और किस तरह से उसे चुनेंगे जिस तरह से सस्पेंस बना? बस टीम है, पूरी टीम सर्च कर रही है और जो अच्छा किरदार मिलेगा उसके लिए हम लोग डेफिनेटली एकदम। और मेरी फिल्म के लिए हमेशा मैंने यंग लोगों को हमेशा मौका दिया है क्योंकि मुझे भैया ने मौका दिया था, तो एक यंग डायरेक्टर को मौका दिया तो मैं हमेशा यंग लोगों को ही मौका देता हूँ। तो जिस तरह से हम पोस्टर में देख रहे हैं कि हमें घर जैसा नजर आ रहा है, तो क्या ये पूरे घर के अंदर हो जाती है और वो एक भूतिया हवेली जो होता है उस टाइप की निभाते चल जाती है आगे की तरफ भी? तो आज फिल्म का मुहूर्त हो चुका है, दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी फिल्म को लेकर? बस दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हर फिल्म को मेरे प्यार दिए हैं वैसे ही इस फिल्म को भी प्यार आशीर्वाद देते रहिए और आप सबका मैं छोटा भाई हूँ तो ऐसे ही भाई पे भी आशीर्वाद बना के रखिए। थैंक यू सो मच।